ओके सर, कुछ ही देर में आ रहे हैं हमारे आखिरी कंटेस्टेंट ताहिर भसीन। This one is for you, Isha. ईशा, I know आज तुम मुझ पर शायद यकीन ना करो, वो तुम्हारी सारी बातें जिस पर मुझे गुस्सा आता है, उन्हीं बातों से मुझे बहुत ज्यादा प्यार है। आई लव यू ईशा जैसे, आई लव यू फॉर व्हाट यू आर। प्लीज एक्सेप्ट माय लव ईशा। ईशा जी का खुद का फैसला है जी अजीब, उन्होंने सोच समझ के लिया होगा। आप समझाने जाओगे तो भी कुछ नहीं कर पाओगे। That was awkward. But हर ब्लैक क्लाउड का एक सिल्वर लाइनिंग होता है, और इस ब्लैक क्लाउड का सिल्वर लाइनिंग is that our rock star Sahil is still single. अब हम जा रहे हैं the final stage where we will know who's going into the final band of four. Sahil, why don't you just come up on stage like? Sahil, please जाओ. So वक्त आ चुका है. The clock has been ticking. The first member जो band में जाने वाली, one of you ladies, Shreya. give it a big hand. Congratulations. For member number two, are you sure about this guy? Rossi. Yes, I'm sure. Number three, Abhi. Both the pretty ladies make it into the show. Just one name to go. Kaun hoga ye aakhri naam? And the final member of the band of four. Rockstar Sahir! Ladies and gentlemen, this is the band of four. Dude, what is wrong with you, yaar? ये सब क्या था? Yeah, seriously, man. देखो, एक बार सोचना चाहिए था. You should have thought about it. How could you be so impulsive? What? ऐसे देखने से कुछ नहीं होगा. आपका ऑर्डर क्या है? एक्चुअली शिवी, हम बात कर रहे हैं, गिव अस 2 मिनट्स ना. ओके साहिर, लिसन, आई अंडरस्टैंड एंड आई अग्री कि जो तुमने किया वाज वेरी 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 स्वीट, बट यार सबके सामने रेव. यार हमने बोला ना वे बिजी राइट नाउ, अभी बात करें, कुछ चाहिए होगा तो मंगवा लेंगे. अभी आप जाओ. ऐसे कैसे जाऊं रेव, आपका बिल पेंडिंग है, बहुत उधार हो गया. शिवी, देखो ना, हम कहाँ भागे जा रहे हैं, वी राइट हियर ना, तो एक काम करते हैं ना, थोड़ी टाइम में हम तेरा सारा पेंडिंग बिल पे कर देंगे विद अ टिप. हाउ? कैसे कर लेती है? अभी यू वर फाइटिंग विद साहिर एंड नाउ फेक स्माइल्स. ये कहते हैं सिचुएशन को मैच्योरली और इंटेलिजेंस के साथ डील करना, बट नेवर माइंड, यू वोंट अंडरस्टैंड. दिस इज कॉल्ड हिपोक्रेसी. फेक कहीं की तू फेक है? How am I fake? मैं जो भी होता है मन में मैं बोलती हूँ यार. How am I being fake? मैं उस पे क्यों चिल्लाऊं? क्योंकि वो आके हमें साहिर, stop. Listen, जो भी हुआ, just let it be. या हम कुछ करते हैं ना यार. तुम्हारा और ईशा का जो मैटर है ना, वो we'll sort it out. हम सब स्टडी कर देंगे. या ईश फिर से तुमसे बात करने लग जाएगी, I promise.
नो नो, बहुत हो चुका, मुझे अब किसी की तरफ कुछ शॉर्ट नहीं करना, नहीं कुछ टेडी करना है। आज के बाद मैं कभी ईशा को पर्स्यू नहीं करूंगा, उसे जो करना वो करे, इट्स हर लाइफ, आई एम डन, सो डन। व्हाट व्हाट डू यू मीन? यही कि इट वाज जस्ट ऑल टू सडन। बट ईशा उसकी बात सुनना ही नहीं चाह रही थी, वो बेचारा और क्या करता? कुछ भी करता, लेकिन माय पर्सनल लाइफ को ऐसे पब्लिक डिस्प्ले पे डालने की क्या जरूरत थी? जी, आपको नहीं लगता कि वो बस आपको अच्छा फील कराने की कोशिश कर रहे थे? But this is not the way, गुरु। साहिर बस कर देता है, सोचता नहीं है कि उसके एक्शंस के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। He just doesn't think। अब लोग फिर से हमारे बारे में उल्टी सीधी बातें करेंगे। मेरे और साहिर के बीच में जो है, it was too personal। But ईशा, उसकी इंटेंशन भी तो पर्सनल ही थी ना। Just imagine इतने सारे क्राउड के सामने स्टेज पे जाके ऐसा कुछ करना, it's a big deal। इतने बड़े स्टेज पर जाकर अपने प्यार का इजहार करना जी, हालत खराब हो जानी है ईशा जी। And what you did? Insult, वो भी publicly। Excuse me, मैंने जो किया वो सही किया। First of all, तुम लड़कों का ये जो misconception है ना कि लड़कियों को larger than life gestures पसंद है, that's wrong, it's irritating। कुछ लड़कियां मेरी जैसी भी होती है जिनको ये सब नहीं पसंद। ईशा जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पर आपको उस तरह वहां से नहीं जाना चाहिए। आप मानो या ना मानो, आपकी भी ना थोड़ी वाली गलती है। Really? मेरी गलती? No, इस बार नहीं। मैंने जो किया वो सही किया। She is right. इससे ना आप भी ये जानती हैं कि साहिर अपनी जगह पे सही है। Mr. Khan, आप ईशा का पॉइंट ऑफ व्यू समझ ही नहीं रहे हो। और आप साहिर का? You know what? एक सेकंड बाद में करते हैं। आप लड़कियां लड़कों का पॉइंट ऑफ व्यू समझती नहीं। और आप हमारा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझते, गर्ल्स का। नहीं रेव जी, इस बार ना मैंने आपकी साइड नहीं लेनी है। मेरे मुताबिक जो हुआ वो गलत था जी। अगर उन्हें रिजेक्ट ही करना था तो ये हिंट शिंट क्यों दिया उन्होंने? साहिर जी के लिए कोई गलत फहमी हो गई इसलिए वो क्लियर करने चले गए। हाँ तो ईशा बोल देती कि उसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, या फिर क्लियरली बोल देती कि उसे रिलेशनशिप नहीं चाहिए। यू नो, साहिर ट्राई नहीं करता, राइट? बट उसको पता होना चाहिए ना कि उसकी एक्स को ये ग्रैंड फेरी टेल प्रपोजल्स पसंद नहीं है। बट साहिर इंपल्सिव है, हम सब ये बात जानते हैं। तो ईशा का उसके सामने इस तरह वॉक ऑफ करना वाज अनकॉल्ड फॉर। यू नो, ईशा ने सिर्फ और सिर्फ उसकी इंसल्ट की है, दैट्स इट। ये कोई इंसल्ट नहीं है। सॉरी मिस सैन, इस बात पे मैं आपसे अग्री नहीं करूंगा। और अगर फिर भी आपको इस बारे में बात करनी है, देन आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आखिर से मैंने एक नई फिल्म साइन की है, उसका कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा कूल है। सो क्या मैं आपको नरेट करूं स्टोरी? गुड हेल गुरु, इससे बात करके कोई फायदा ही नहीं है। ₹7,500 की दो कॉफी, इसमें क्या सोने की कॉफी और चांदी की चीनी थी जी? मैडम जी कल से ना चाय लाइएगा। सर ये उन गर्ल्स का पेंडिंग बिल है, बहुत टाइम से पे नहीं किया हमने। तो जी मैंने क्यों पे करना है? क्योंकि आप उनके साथ आए थे। अच्छा जी, कहीं पे दिल की बसर चल रही है, कहीं पे बिल की बसर चल रही है, समझ नहीं आ रहा। आई फॉरगॉट, वो मुझे पेंडिंग बिल पे करना था, राइट? ये पे कर रहे हैं। तू बिल क्यों पे कर रहा है? वैसे भी तू हमसे अपसेट था, राइट? आप नहीं, आपके ख्यालात से अपसेट हूँ जी। देख तू अपनी ये लात वात अपने पास रख, ठीक है? I know you hate me। Point of view रिफ्त जी, नजरिया। मैं आप लोगों के point of view से अपसेट हूँ जी, आप लोगों से नहीं। अभी हेट सेट क्या कह रही है? अब जानती है कि मैं आपको कभी हेट नहीं कर सकता। स्पेशल वाली हो आप मेरे लिए, जी सोने चांदी वाली कॉफी जैसे। ईश, आई थिंक हमें बात करनी चाहिए।
हेलो तो मुझे अवॉइड करिए क्या ईश? ईश तो मुझे अवॉइड नहीं कर सकती यार। ईश लिसन ना यार, तुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुझे इग्नोर कर रही हूँ? मुझे किस बारे में, किसी बारे में बात नहीं करनी, जी अदरवाइज माय हेड विल बर्स्ट। आई सर ओके ओके लिसन, काम डाउन रिलैक्स, किसी और चीज के बारे में बात करते हैं। गाइस आई जस्ट हैव टू हैव लाइक आई जस्ट हैव टू टेल यू व्हाट समथिंग सीरियस है। यप मत बोल, मेरी बात सीरियस नहीं है, फनी है। तो मैं मिस्टर खान से बात कर रही थी और मिस्टर खान ने अपनी नई मूवी के बारे में मुझे बताया और नई मूवी के नई कैरेक्टर के बारे में बता रहे थे और उनका नया कैरेक्टर इज सो 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 ट्रैशी यार। व्हाट? व्हाई ट्रैशी? बिकॉज वो एक टिपिकल बॉलीवुड फिल्म है, लाइक एक डार्क एक्शन हीरो, उसका डार्क पास्ट है, ऑफिस था, पुलिस ऑफिसर है जो कभी टाइम पे नहीं पहुंचता है और वो सही काम करने के लिए गलत काम। You're right. Typical Bollywood film. Yanna Rascal type. Exactly. और उनको लगता है ये कोई मार्टिन स्कॉर्सेज़ी टाइप फिल्म। But actually वो it's a Bollywood film यार। ऐसे गाड़ी आएगी और फिर दरवाजा खुलता है और ढप हीरो की एंट्री हुई, धूल उड़ी, डुडुडुडु करके अर्थ पे आने लग गया, फिर 500 विलेन ऐसे हीरो की तरह भागते लेकिन हीरो एक हाथ से 5 विलेन को ऐसे उड़ा देता है। But no, और फिर हीरो की 3 गोलियां लगती है और फिर वो ऐसे गिर जाता है। बट नो ऐसे म्यूजिक बजने लग जाता है, फिर की हीरो की सांस आती है और फिर वो उठ जाता है, ये सबको लेते हैं और फिर उसे हीरोइन मिल जाती है और विलेन इज डेड। द एंड। सो व्हाई डोंट यू जस्ट टेल हिम इट्स अ फुल टॉलीवुड काइंड ऑफ फिल्म? नहीं आ रहा है एक्चुअली, मैंने उन्हें झूठ बोला कि इट्स अ नाइस फिल्म। नाउ आई डोंट नो सच कैसे बोलूं। सच? तुम दोनों का सच? द ट्रूथ गाइज, द ट्रूथ इज दैट गुरु इज ट्रूली अ स्वीट हार्ट। वो ही तो हम बोल रहे थे ना, उसे डेट कर ले तो। ही इज सच अ नाइस गाय। हाय मॉम। हेलो बेटा, कैसी है? आई एम Super duper fantastic as always. What's up? अच्छा सुन, मैंने ये बताने के लिए फोन किया है कि शेखर वापस आ गया है। What? शेखर is back? और उसने मुझसे तेरा एड्रेस और बाकी सब डिटेल्स दी है, बोल रहा था कि सबसे पहले तुझसे मिलना चाहता है। What? Is that interested to see me? हाँ, थोड़ा सा। अच्छा चल बेटा, मैं फोन रखती हूँ और तू अपना ख्याल रखना। हाँ सुन सुन सुन, अगर शेखर आएगा तो अपने से ज्यादा शेखर का ख्याल रखना। ओके? यस मॉम, चाओ, लव यू, बाय। गाइस तुमने सुना, शेखर इज बैक। या व्हाट्स रॉन्ग यार, थोड़ा एक्साइटमेंट दिखाओ, शेखर इधर आ रहा है। हम एक ग्रैंड गेट टुगेदर रखते हैं, डीजे रेव इन द हाउस। आई जान इट, इट विल बी सो फन। आई डोंट थिंक सो। या मुझे भी आई थिंक कुछ काम। लिसन यू गाइस सीरियसली नीड टू लर्न हाउ टू चिल। शेखर इज कमिंग। माय रूम, मेरा रूम इतना मेसी है, आई हैव टू क्लीन इट अप, मुझे साफ करना पड़ेगा। वो क्या सोचेगा यार? ओह माय गॉड, आई हैव टू क्लीन माय रूम। बट शेखर इज कमिंग। रेवन शेखर नॉट हैपनिंग। एब्सोल्युटली नॉट। ये दोनों साथ में नहीं हो सकते हैं। कुछ ना सॉलिड प्लान करना पड़ेगा। क्या कर क्या रहे? वो जी आ रही है ना, सोचा तो घर थोड़ा साफ कर दूं।
ठीक है फिर मैं निकलता हूँ, हैव फन। नहीं 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 वो उनको तुझसे काम है। उनको मतलब? यार वो मैं तुझे बताना, एक सेकंड। वो मैंने उनको कहा था बट यू नो साहिर प्लीज यार इट्स रियली इंपॉर्टेंट। गाइस कैन यू जस्ट प्लीज कम इनसाइड। अच्छा यार इट्स अबाउट रेव। शेखर इज बैक रेव की लाइफ में, दैट्स नॉट गुड फॉर रेव। राइट, बहुत मुश्किल से वी गॉट आउट ऑफ दिस शेल कॉल्ड शेखर। And guys, we हम उसे ये same mistake repeat नहीं करने दे सकते। We can't let her go through the same heartbreak again. Guys, आप लोगों को इस बारे में बात करनी थी। वैसे साहिर, गुरु का भी heartbreak के proper chance हैं। Exactly, which is why हमें आप दोनों की help चाहिए, because it's very important शेखर का evil का real face रेव के सामने लाना। So guys, please help ना। Yeah, we will. Right, साहिर? See, I don't know इस पे गुरु कैसे react करने वाला है, लेकिन we have to do something for him and for his love. Love? Wow, really? इन लोगों को real love का मतलब ही पता है? Excuse me? Sahir, come on यार, just because ये मेरा first time है, doesn't mean I हमें कुछ पता नहीं, okay? Like missing वो आपके बारे में बात नहीं कर। Thanks for clearing this. I'm being the real friend. मैं जानती हूँ ये taunt मेरे लिए था। बट मेरे पास खुद के कुछ रीजंस थे। प्लीज 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 मुझे कोई एक्सप्लेनेशन कोई रीजंस नहीं सुना। आई जस्ट डोंट वांट टू टॉक टू यू एवर, गेट दैट? डोंट टच मी, ओके? आई विल। एक बार और तुम मुझे टॉन्ट करना बंद करो। दोबारा टच करके देखो फिर देखो। ईशा ईशा प्लीज जाने दीजिए। अरे क्या रहने दीजिए यार, इसी की गलती है। साहिर इट्स ऑल राइट ना यार। व्हाट ऑल राइट जी, तुम मेरी साइड पे हो। बस मैं तुम्हारी। या एग्जैक्टली यही तो करते हो तुम, या तो साइड लेते हो या तो साइड बदलते हो। खुद से तो कुछ होता नहीं है। ऑलवेज नीड समवन बाय द साइड। वाओ Really, तुम तो शुरू भी मत करो साइड के बारे में। Okay, you just don't touch me, okay? क्या करोगे तुम? Just stay away. आयु क्या करोगे तुम? You'll hit me? No, आज देख ले। तुम सच में देखने की मैं क्या करने वाला? Yeah, stop it, yeah. It's time to be together. एक दूसरे के against जाना नहीं। Seriously, man, it's not about you guys, यार. Yeah, is right. Please, guys, अपने दिमाग को शांत रखो। हमें साथ में मिलके इस सिचुएशन से डील करना। Guys, ये हम रेव और गुरु के लिए कर रहे हैं, right? क्यों कर रहे हो? Because they are friends. So please ऐसे hooligans की तरह behave करना बंद करो यार। I'm sorry. It's fine. क्या हम सब ये शेखर के इशू पर फोकस कर सकते हैं प्लीज? Yeah. I mean we have to teach him a lesson. Yeah guys, and उसके लिए प्लीज यार, we really need your help. Promise करो you'll help. Mr. Khan. Yeah. Yes. Yes, we will. It's time for Mission Shekhar. Mission Shekhar. It's time for Mission Shekhar.